नमस्कार, आप देख रहे हैं CTTV24 यू चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ हूं पंकज तिवारी। भाजपा विधायक की पिटाई का एक और वीडियो वायरल। खबर आ रही यूपी के महाराजगंज से। विधायक जी चुनाव जीतने के बाद गांव का रास्ता ही भूल गए। गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक और उनके समर्थकों की पिटाई कर दी। चुनाव से पहले विकास के खूब वादे किए थे। सड़क पर लोगों का हुजूम लगा है। मौके पर आए लोग नेताजी से कुछ कहा सुनी कर रहे हैं। नेताजी की हिफाजत के लिए पुलिस वाले भी मौजूद हैं। कहा सुनी होती रही, विवाद बढ़ती गई। नौबत जहां तक आ गई कि लोगों के शब्र का बांध टूट गया। फिर उसके बाद जो हुआ वह आपके सामने है। नेता के समर्थकों की पिटाई का वीडियो यूपी के महाराजगंज से वायरल हो रहा है। आप सोच रहे होंगे गांव वालों ने नेता की पिटाई क्यों की, तो जान लीजिए इस पिटाई के पीछे कि असल वजह क्या है। हुआ यूं कि महाराजगंज की सदर विधानसभा से बीजेपी विधायक जयमंगल कनौजिया चुनाव जीतने के सालों बाद गांव की तरफ रुख किया था। विधायक का चेहरा देखते ही गुस्सा फूट पड़ा, और फूटे भी क्यों ना। चुनाव के टाइम लंबे चौड़े वादे करके लोगों का दिल जीत लिया। जनता का वोट पाकर विधायक बन गए और कुर्सी का सुख पाकर गांव का रास्ता भूल गए। सालों के बाद विधायक जी गांव आए थे तो स्वागत तो बनता ही था। लोगों ने खूब स्वागत दिल खोल कर किया, अभिनंदन किया, और ऐसा स्वागत किया कि पुलिस वाले भी देखते रह गए। गांव में नेताजी को घेर कर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। गुस्साए विधायक ने आग बगुला होकर ग्रामीणों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे डाली। विधायक और उनके समर्थकों की एक कड़ी सुनकर भड़के ग्रामीणों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। खुद को भीड़ से घिरते देख वहां से निकलने में ही भलाई समझी तो नेताजी ने गांव वालों के सामने हाथ जोड़ लिए। जिस तरह तस्वीरें बराबर दर्शकों को बराबर अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं महाराजगंज की, जहां पर नाराज ग्रामीणों ने विधायक को जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिस तरह तस्वीरें बराबर दर्शकों को अपने चैनल पर दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, बराबर ये वीडियो वायरल हो रहा है। आप देख रहे हैं CTTV24 न्यूज चैनल, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। रिपोर्ट जो भेजी गई है डॉक्टर अर्चना सिंह प्रदेश प्रभारी के द्वारा, ये बराबर जो तस्वीरें दिखाई गई हैं हमारे चैनल पर, आप लोग इसी तरह बने रहे, देखते रहे हमारे चैनल को। नई अपडेट के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।